के भारत का शो दिनांक 19 जुलाई 2023 शाम 7 बजे स्थान रहेगा सेलिब्रेशन बैंकट हॉल उर्मिला चंद्रलोक बिल्डिंग बुलंदशहर रोड हापुड़ में होने जा रहा है। जादूगर डी के भारत का जादू शो का पूरे परिवार के साथ आनंद उठाएं, जिसमें तमाम तरह के जादू दिखाए जाएंगे, जैसे कि हवा में नाचती हुई छड़ी का कमाल, पहली बार जागरण मंच पर डायनासोर का हंगामा, लड़की का धड़ सिर से अलग और पैरों से अलग, एक जिंदा इंसान को काट कर 3 टुकड़े में अलग अलग कर देना, मीना बाजार का खेल, लड़की बनी खुखार भेड़िया, जादुई मंच पर हिप्मोटिव लाइट और साउंड के साथ दर्जनों पालतू जानवर और सैकड़ों हसीन कलाकारों के साथ जादूगर डीके भारत का जादू शो। दिन में 2 शो दिखाएंगे, पहला शो 4 बजे से, दूसरा शो 7 बजे से। शनिवार व रविवार को 3 शो दिखाएंगे, पहला 1 बजे, दूसरा 4 बजे और तीसरा 7 बजे। आलम टाइगर की विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी अपने जीवन के बहुमूल्य समय को निकाल करके हमारे बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित किए हुए, इसके लिए मैं अपने पूरे टीम की ओर से आप सभी को धन्यवाद। और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की जनता के लिए रखता हूँ, यहाँ के आवाम के लिए रखता हूँ, ताकि सारे आवाम में, सारे जनताओं में चली जाए कि जादूगर डी के भारत आपके शहर में अपने पूरे 2.5 घंटे के कार्यक्रम को लेकर आए। कोई ऐसा आपका स्पेशल शो है जनता आपके लिए आई? मेरे 2.5 घंटे के कार्यक्रम के दरमियान कई ऐसे विजन्स, कई ऐसे आइटम्स हैं जिसमें हम ऑन द मंच जनता को भी जुड़ा। आपसे पहला सवाल ये है कि आपने लिखा है स्टार जादूगर, तो आपको स्टार की मालिक किसने दी? स्टार मेरा शुरू से लगाया हुआ है, और वो बाकी की बात नहीं है, ये अपना टैग होता है जो मैंने अपने टैग पर लगाया। स्टार नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने स्टार लगाया आपको सम्मानित करा हो कभी सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने? नहीं नहीं, ऐसा होने के सम्मानित करने की बात जहाँ तक है तो सम्मानित तो उनके लिए इतने सारे चीज़ों से किया गया है जिसका गिनती नहीं, लेकिन स्टार मेरा खुद का एक टैग मैं अपने नाम के आगे कर रहा हूँ। अब तक आप कितने जिलों या कितने राज्यों में सफर हुए? अभी तक मैंने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, MP और UP की सरजमी में दूसरी बार मैं अपने कार्यक्रम को और अपने पूरे टीम को लेकर गया है। तो अभी आप कहाँ के रहने वाले? मैं पटना राजधानी का रहने वाला हूँ, पटना के रहने वाले, और मैं फर्स्ट जनरेशन नहीं बल्कि इस कार्यक्रम में, इस लाइन में, इस क्षेत्र में फर्स्ट जनरेशन। पहले मेरे ग्रैंड फादर, उसके बाद मेरे फादर थे, उसके बाद थर्ड जनरेशन में। कितने वर्षों से चल रहा है? कितने वर्षों से चल रहा है ये कारवां? 1942 से मेरे ग्रैंड फादर ने शुरू किया और थर्ड जनरेशन में जो आप 2023 में भी आप सबके बीच लोगों के मनोरंजन के लिए खड़ा हो। तो सर मैं कितना रोजाना कितने शो चलेंगे? ये कल संध्या शाम 7 बजे से इनोग्रेशन है इसका, जो माननीय विधायक साहब कर रहे हैं उद्घाटन, और जिला पंचायत के जो वो कर रहे हैं, तो ये कल संध्या शाम से शुरू होगा और एवरी डे मतलब कि रोजाना वो खेल में चलेगा, दिन में 4 बजे से और संध्या 7 बजे से, और सैटरडे संडे को 300 रहेगा जनता के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे हॉलीडेज छुट्टी के दिन होते हैं, इसलिए 300 दिन में 1 बजे, दोपहर 4 बजे और शाम